मैं नाम सहा है। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और मेरी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो वीडियोज़ में नहीं आ पाई, तो हो सकता है वो कल ठीक हो जाए तो कल से वो फिर वीडियो में आए करेंगी। पहले ही बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड नहीं की। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम मिथिली ठाकुर जो है ना उनके ज़ुबान में हम भजन सुनने वाले हैं। न्यू भजन आया है तो बहुत अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो करने तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखते हैं आज वीडियो चली। खत्म हो गया, कितना मजा आ रहा था, मैं कितना झूम रही थी इतने दिनों के बाद सुन के इनकी आवाज़। ऐसे एनर्जी सी मुझ में आ गई थी, बहुत ही अच्छा लगा इनकी आवाज़ सुन के ना। बहुत एनर्जेटिक इनकी आवाज़ है और इतनी स्वीट सी। अगर ये मतलब सॉन्ग्स जो होते हैं ना, रोमांटिक सॉन्ग्स भी अगर गाएं तो इनकी आवाज़ पे ना काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे, लेकिन भजन ये गाती हैं और ये खुद जो हैं वो लिखती भी हैं, तो ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये साथ में आज लग रहा था शायद इनकी माँ है ना, लग रहा था इनकी फेस काफ़ी ज़्यादा मैच हो
हो रहा था और दो इनके भाई हैं और ये खुद हैं और ये सब फैमिली मिलकर ये जब ये भजन गाते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतना मतलब ऐसे मतलब तरक्की मिलनी चाहिए, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ऐसे लोगों को ही भाई माशरे में तरक्की मिलनी चाहिए। और फजूल लोगों को सपोर्ट करने के बजाय जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं ना उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनका और ज़्यादा हिम्मत बन सके। अभी आजकल मैं देख रही हूँ इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो भजन आ रहे हैं, एपिसोड 1 2 ये मतलब इतने ज़्यादा आ रहे हैं। और ये अब अलग से इन्होंने बनाया है जिसमें इनकी शायद माता, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा इनकी माता है या कौन है, लेकिन बहुत ही अच्छे इनकी मिथिली ठाकुर जो है उनकी आवाज़ अच्छी तो है ही, लेकिन जो साथ में थी ना इनकी भी आवाज़ अच्छी थी। और जो तड़का लगाया है ना वो इस तरह से उन्होंने बजा के, वो जो तबला क्या बोलेंगे इसको, उनके भाइयों ने बजा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक टैलेंट है। और अपने पूरे टैलेंट को यूज़ करते हुए भाई उन्होंने एक सुरीला सा एक बनाया और इस तरह से सबके सामने प्रेजेंट किया और आप सबने भी बहुत ज़्यादा उनको प्यार दिया हुआ है, मैंने देखा था वीडियो पे। और ज़्यादा इनको प्यार दीजिए, बहुत अच्छा भाई गाती हैं और इनको तो अवार्ड भी मिल चुका है। अभी मैंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही देखा था, मंथ भी नहीं हुआ होगा, जब जो है प्रधानमंत्री उन्होंने मोदी जी ने इनको अवार्ड भी दिया था, क्योंकि ये खुद बनाती हैं भजन और गाती हैं और बहुत ज़्यादा लोग इनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं ना पहले सारे गाँव पा देखती होती थी तो उनके ना मैंने सुना हुआ था, लेकिन ना उसके बाद ये खो सी गई, मैंने कहा पता नहीं यार ये कहाँ है, मतलब ऐसा ना कभी कभी याद आता होता था कि यार वो एक सिंगर हुआ करती थी, लेकिन यार एक दिन अचानक से ना मैंने इनकी वीडियो देख ली तो मुझे ना देख बड़ी खुशी हुई कि यार मिथिली जी जो है उनकी आवाज़ तो फ़ैन हूँ मैं। तो फिर मैंने भाई इस तरह से खोला और तब से हमने इनकी जो है वीडियो पे बनाना शुरू कर दिया, तो आप सब ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आज की भी वीडियो भी बड़ी अमेजिंग किस्म की थी, आई होप सो कि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा इनकी आवाज़, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर इस तरह अगर आप और वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर आपको मिलता है एक और वीडियो में, थैंक यू।